गजब का किया मेरे पास। थैंक यू सो मच। कितना तैयारियां करना पड़ा था, वो कितनी तैयारी। देखिए सबसे पहले मैं अपने भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगी। मैं एक्ट्रेस रितु सिंह और मैंने इस सबरंग महोत्सव में जो ये सेकेंड अवार्ड फंक्शन हुआ तो उसमें मैंने एंकरिंग की, इस शो को होस्ट किया मैंने और प्रियेश जी ने, और बहुत अच्छा सा माहौल बना था, एकदम रंगीन माहौल था। सारे कलाकार यहाँ आए हुए थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, रवि किशन जी भी, बड़े बड़े कलाकार दिनेश जी भी आए हुए हैं, सबका चल रहा है, बहुत अच्छा मज़ा आया। और मेरे लिए तैयारियाँ ये थी कि 3-4 दिन से हम तो बस डांस की तैयारी कर रहे थे, जो परफॉर्मेंस हम दिए, और कुछ परफॉर्मेंस हमें ऑन द स्टेज अभी तुरंत देना पड़ा लेकिन अच्छा लगा, आप लोग का आशीर्वाद है, और बहुत अच्छे से हमने संपन्न किया इस प्रोग्राम को। देखिए मेरी रिलीजिंग पे मूवी है मेहंदी लगा के रखना, माई के चरो बाबूजी के दुलार, और ओ साथी रे, ये मूवी रिलीजिंग पे है। और आज मैं बताना चाहूँगी कि सपेरा मूवीज़ जिसने स्टार्टिंग की थी उसको बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मुझे, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने दर्शकों के लिए, इतना प्यार दुलार दिया, ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मूवी और शूटिंग के लिए है, पर मैं भी बताने से मना किया है लोगों ने, तो मैं भी नहीं बताऊँगी, शूटिंग में जब होंगे तो फिर यूज़ टू होकर बताएँगे। ठीक है, दर्शकों से बस ये कहूँगी कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं बक्सर से हूँ और मेरा खाटी भोजपुर है, मैं चाहती हूँ भोजपुरी को और आगे बढ़ाया जाए, और मैं काम ऐसे ही करती रहूँ, और बाकी हमारी पूरी टीम जो यूनिटी है वो आप लोग के ही आशीर्वाद से बनी हुई है, और ऐसी आशीर्वाद बनाए रहिए, देखते रहिए मूवीज़ को और अपने व्यूज़ भी देते रहिए कि भोजपुरी में और क्या सुधार हो सकता है, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, बस, और अपना आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच।